भारतीय रेलवे माल गोदाम से बड़ी सूचना, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। श्रम मंत्रालय ने दी रेलवे माल गोदाम मजदूरों को मंजूरी, अब कर पाएंगे ये काम। श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय रेलवे गोदाम श्रमिक यूनियन को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी। माल गोदाम कई दिनों सरकार से सामने उठा रहे हैं प्रश्नों का ये दिलासा कर रहे थे। श्रम मंत्रालय ने दी रेलवे माल गोदाम को मजदूरी दी मान्यता, हम ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे मजदूर। लंबे समय से मजदूर सरकार के सामने रख रहे थे मांग। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ यूनियन के कई साल के अथक प्रयासों और संघर्ष के बाद श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूनियन की उठाई हुई मांगों पर सकारात्मक विचार करते हुए माल गोदाम श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पंजीकृत करने हेतु आदेश किया। यह जानकारी प्रवक्ता परिमल क्रांति मंडल ने दी। यूनियन के प्रवक्ता ने बताया कि पूरे भारत में रेलवे माल गोदाम में 685,000 श्रमिक है। एक पहचान के रूप में ई श्रम पोर्टल पर अपना दस्तावेज अपना अपलोड कर सकते हैं और भारतीय रेलवे माल गोदाम के सहित पूरे भारत में 26 से 28 जनवरी से लेके 2022 के विभिन्न स्थानों पर यह काम स्थापित किया गया। उसके बाद श्रमिकों और उनके परिवारों को छोटी छोटी समस्याओं हेतु कुछ मांगों को प्रमुख रूप से रखा गया है। मार्च के महीने में यूनियन ने कहा कि सभी रेलवे गुड्स के श्रमिकों को मजदूरी के लिए एक निश्चित अनुबंध प्रदान करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मजदूर रसीद की व्यवस्था की जाए। डिजिटल इंडिया के अनुसार मजदूरी सीधे श्रमिकों के खाते में स्थानांतरित की जाना चाहिए। इसलिए आयुष्मान भारत के अनुसार रेलवे गुड्स सेट के सभी कर्मचारियों को पानी पीने का उचित टॉयलेट, रेलवे सेट में कैंटीन, श्रमिकों के लिए परिवारों के लिए मुफ्त दवा, दुर्घटना बीमा, रेल पास, पेंशन लाभ योजना, नौकरी प्रतिस्थापन जैसी उचित बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। तो कृपया ई श्रम पोर्टल पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें और ये जल्द से जल्द ये कर लें। अभी कितने लोगों को ई श्रम पोर्टल पर भी नहीं करा पाए हैं, पंजीकरण भी नहीं करा पाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपना ये काम कर लें। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू।